हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बस 10 मिनट में। योगी सरकार टैबलेट स्मार्टफोन बांटने वाली है, रक्षाबंधन पे बेटियों को मिलेगा, साथ ही यूपी पुलिस के अभ्यर्थियों को भी अब फ्री बस सर्विस मिलेगी। रक्षाबंधन पर तो महिलाओं को मिल ही रहा है, लेकिन और कई सारे अपडेट है, ऐलान है, इसके बारे में जानेंगे। वहीं पर बांग्लादेश से पीएम मोदी को फोन आया, फटकार लग गई। जी हां, आइए जानते हैं तमाम बड़ी खबरें, साथ ही रक्षाबंधन को लेकर कंफ्यूजन है, कब मनाएं, किस तारीख को, और भाई की कलाई पर राखी जब बांधे तो कौन सा मुहूर्त शुभ होगा, इसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि भद्रकाल आधे दिन तक लगा रहेगा। तो चलिए जानते हैं पूरा अपडेट, चलिए शुरू करते हैं। यूपी में स्मार्ट मीटर को लेकर आई राहत वाली खबर, ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा कोई बोझ। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर परियोजना की लागत के कारण बिजली दरें बढ़ने की कोई जो आशंका थी वो अब नहीं रहेगी, वह समाप्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर होने वाले किसी भी खर्चे को बिजली दर हुआ या बिजली कंपनियों के ARR उपभोक्ता को नहीं भरना होगा। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर परियोजना की लागत के कारण जो बिजली दर बढ़ने की आशंका थी उससे भी राहत मिल गई है, समाप्त हुआ है, नहीं बढ़ेगा। लखनऊ एयरपोर्ट पर रेडिएक्टिव मटेरियल लीक होने से हड़कंप मच गया, खाली कराया गया 1.5 किलोमीटर का एरिया। जैसे ही बॉक्स खुला दो लोग बेहोश हो गए। लखनऊ एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल पर कैंसर की रेडिएक्टिव दवा लीक हो गई। सुरक्षा उपकरणों का अलार्म बजते ही हड़कंप मच गया। NDRF और SDRF की टीम तुरंत पहुंची, बॉक्स को जैसे खोला गया दो लोग बेहोश हो गए। फिलहाल 1.5 किलोमीटर का एरिया खाली कराया गया है। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतरी IB की टीम मौके पर पहुंची, पुलिस जांच भी शुरू हुआ। रेल मंत्री बोले ट्रेन भारी चीज से टकराई थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस 19168 पटरी से उतर गई, 22 डिब्बे डिरेल हुए। ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। गनीमत है कि हादसे में किसी की मौत नहीं हुई, कोई भी अपनी जान नहीं गंवाया, यात्री फिलहाल घायल हुए हैं। हादसा देर रात 2:30 बजे का है। कानपुर शहर से 11 किलोमीटर दूर भीमसेन और गोविंदपुरी स्टेशन के बीच ये हुआ है। आरोपी को पकड़ा जाएगा, अश्विनी वैष्णव ने कहा है। कर्नाटक CM के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में केस चलेगा, राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। सिद्धार्थ मैया पर जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट लगाने का आरोप है। कर्नाटक CM के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में केस चलेगा। इस बीच लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में भी आज इलाज नहीं होगा। सुबह से 24 घंटे स्ट्राइक पे थे, लेकिन एक बार फिर से स्ट्राइक बढ़ गया है। OPD बंद रहेगा, सर्जरी भी नहीं होगी, डॉक्टर प्रोटेस्ट पर हैं, मरीज परेशान हैं। लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में आज भी इलाज नहीं होने वाला, 8 दिन तक लगातार हड़ताल हुआ है, आज भी रहेगा। मेडिकल छात्रा से रेप और मर्डर घटना को लेकर डॉक्टरों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। कानपुर हादसे में 16 ट्रेनें रद्द हुई हैं, 10 ट्रेनों के रूट को बदला गया है। ट्रेन को ठीक करने में 24 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा। आप यहाँ पे 16 ट्रेन जो रद्द हुई हैं, उसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिटेल में आप जानकारी ले लीजिए। साथ ही कानपुर हादसे में जो 10 ट्रेनों का रूट बदला है उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट फिर से जारी होगा। आपको बता दें लखनऊ हाई कोर्ट का आदेश है, 3 महीने में पालन करना होगा। सरकार बोली सत्र पूरा होने तक पढ़ाते रहेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने में नई चयन सूची जारी करनी होगी। हाई कोर्ट के इस आदेश पर यूपी सरकार को झटका लगा है। 4 साल से सेवाएं दे रहे हजारों टीचर की नौकरी चली जाएगी, OBC को फायदा होगा। सामान्य का कट ऑफ 67.11% था, OBC का कट ऑफ 66.73% था, अब नया कट ऑफ आएगा, नए रिजल्ट जारी होंगे, फिलहाल इससे OBC को फायदा होने वाला है। वही शिक्षक भर्ती पर केशव बोले कि ये दलित पिछड़ों की जीत है, कोर्ट का फैसला अच्छा है, पहले भी OBC आरक्षण पर सरकार को लिखा था लेटर। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। यह उन पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग के पात्रों की जीत है जिन्होंने अधिकार के लंबा संघर्ष किया था। इस मसले पर अखिलेश यादव और अनुप्रिया पटेल ने सरकार को घेरा है। अखिलेश ने कहा प्रदेश में भाजपा काल में शिक्षा व्यवस्था बाधित हुई है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कोर्ट ने जो बातें कही मैं हमेशा से वही कहती आई हूँ, अब उम्मीद करती हूँ कि वंचित वर्ग के प्रति न्याय होगा। ब्रिजभूषण बोले गोंडा की वजह से अयोध्या को जाना जाता है। जी हाँ, उन्होंने कहा गोंडा की वजह से अयोध्या है। योगी सरकार पर निशाना साधा, कहा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया लेकिन हम नाता जोड़े रहे। पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने फिर से राम मंदिर को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा है। अयोध्या को लेकर कहा जितना सुंदर इतिहास गोंडा का है उतना सुंदर अयोध्या और फैजाबाद का नहीं रहा है। जन्माष्टमी पर बांके बिहारी मंदिर के अंदर होगी लाइव स्ट्रीमिंग। हाई कोर्ट ने 25 से 29 अगस्त तक जिला प्रशासन को सौंपी है कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी। जन्माष्टमी पर बांके बिहारी मंदिर में कई सालों से घटना होती चली आ रही है। पिछले 2 सालों से लगातार भीड़ होती है और महिलाओं के साथ भी कहीं न कहीं पर शोषण हो जाता है। यही कारण है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि 25 से 29 अगस्त तक जिला प्रशासन को सौंपी जाए कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी, अंदर होगी लाइव स्ट्रीमिंग।
अंबेडकर नगर और गाजीपुर दौरे पर सीएम योगी युवाओं को मिलेगा रोजगार की सौगात। उन्होंने बड़ा ऐलान किया है, साथ ही बेटियों को बेटों को टैबलेट वितरण किया है। जी हां दोस्तों, अंबेडकर नगर में मिशन रोजगार के तहत 2500 से ज्यादा लोगों को युवाओं को सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र बांटा है और साथ ही कई सारे ऐलान भी कर दिए हैं। जी हां, छात्र छात्राओं को टैबलेट बांटा गया है। इससे महिलाओं को फायदा हो गया, बेटियों को फायदा हो गया, रक्षाबंधन से पहले उनको टैबलेट मिल गया। सीएम योगी 5100 से ज्यादा छात्र छात्राओं को टैबलेट बांटे हैं। फिलहाल आपको बताते चले कि ये टैबलेट स्मार्टफोन सरकार 1 करोड़ लोगों को देने का ऐलान की है जो 12वीं पास कर चुके हैं और साथ ही जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं उन्हीं को ये फायदा मिलेगा। हिंदुओं पर हमले को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है भारतीय मीडिया, भारतीय पत्रकारों को बुलाएंगे, पीएम मोदी से बोले हैं यूनुस। जी हां, बांग्लादेश के यूनुस ने पीएम मोदी को फोन किया। यूनुस ने कहा कि अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरें बढ़ा चढ़ाकर भारतीय मीडिया दिखाती है। भारतीय पत्रकारों को बांग्लादेश आने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मुद्दों पर जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग करने को आमंत्रित कर रहे हैं। इस बीच योगी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया। रक्षाबंधन पर महिलाओं को तो फायदा होगा ही, साथ ही पुलिस भर्ती के लिए जिन्होंने आवेदन किया था उन लोगों को भी फ्री सर्विस मिल जाएगी। ज्यादा बसें चलेंगी, अतिरिक्त बसें चलेंगी, 15 दिनों तक फायदा होगा जिससे भीड़ ना हो, परेशानी ना हो। यूपी की बसों में फ्री सफर, रक्षाबंधन पर बहने करेंगी यात्रा। पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को भी सुविधा मिलेगी, यानी पुरुषों को भी लाभ मिलेगा, महिलाओं को भी फायदा मिलेगा। रक्षाबंधन पर फ्री बस यात्रा आप 18 और 19 तारीख को प्राप्त कर पाएंगे। महिलाओं को, लड़कियों को, बेटियों को 18 की रात 12 बजे से 19 अगस्त की रात 12 बजे तक फ्री यात्रा का लाभ मिलेगा। रक्षाबंधन पर भाइयों के घर जाने के लिए 320 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थी भी फ्री में कर सकेंगे सफर। दोस्तों, कई बैंकों ने बैंक एफडी पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एचडीएफसी सहित कई बैंकों ने बढ़ाई हैं ब्याज दरें, आप यहां पे देख सकते हैं। अगर आप इन बैंकों के ग्राहक हैं तो एफडी करा लीजिए, फायदा आपको होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, पंजाब नेशनल बैंक हुआ, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, इन बैंकों में एफडी कराने पर आपको ज्यादा फायदा होगा। 1 साल से 5 साल तक की एफडी पर 6.9% से लेकर 7.5% तक का ब्याज मिलेगा। 1 साल की एफडी पर जो बैंक ज्यादा ब्याज दे रहे हैं वो आप यहां पे देख सकते हैं। इसके साथ ही 2 साल की एफडी पर कितना ब्याज मिलेगा, कौन सी बैंक दे रही है, ये आप देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि 3 साल की एफडी पर बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी का आप एफडी रेट देख सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। फिलहाल 5 साल की एफडी पर भी आप ब्याज दरें देख सकते हैं। वही इस हफ्ते सोना चांदी के दाम बढ़ गए हैं। सोना 941 रुपए बढ़ा, 70,604 पहुंच गया। चांदी 1247 रुपए महंगी हुई है। एक हफ्ते में सोना चांदी की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले हफ्ते काफी सस्ता था, लेकिन अब सोना 941 रुपए एक हफ्ते में महंगा हुआ है। देश का मानसून ट्रैकर जान लीजिए, क्योंकि हिमाचल में फिर से बादल फटा है, नेशनल हाईवे बंद हुआ है, कानपुर में गंगा उफान पे है, 50,000 लोग प्रभावित हुए, 21 राज्यों में आज भी अलर्ट है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 21 अगस्त तक भारी से भारी बारिश का अलर्ट है, यानी 19 अगस्त से 21 अगस्त तक भारी बरसात होगी। 19 अगस्त को रक्षाबंधन है, ऐसे में दूर सफर करने वालों को थोड़ी परेशानी बारिश की वजह से हो सकती है। जस्टिस गवई बोले, देश की संपत्ति चुनिंदा हाथों में है, कुछ को तो 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, एक जगह मिली समानता बाकी में अंधा नहीं बना सकती। जस्टिस गवई ने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि देश की संपत्ति चुनिंदा हाथों में रही है। वही अयोध्या राम मंदिर में लगाए जाएंगे 3 रोबोट कैमरे, यहां देख सकेंगे रामलला की सभी आरती का लाइव प्रसारण। दोस्तों, अब राम मंदिर के अंदर 3 रोबोट कैमरे लगाए जाएंगे। रामलला के प्रतिदिन प्रातः 6 बजे होने वाले श्रृंगार आरती के साथ ही अब संध्या आरती और शयन आरती का भी लाइव प्रसारण आप देख पाएंगे। वही एक फोन पर ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कर्मियों के लिए पहुंचेगा लंच पैकेट, व्यवस्था लागू हो गई है। ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कर्मियों के लिए एक फोन पर अब लंच पैकेट पहुंचेगा। खाना खाने का बहाना बताकर ट्रैफिक कर्मी अब ड्यूटी पॉइंट से गायब नहीं हो सकेंगे। जी हां, इच्छुक यातायात कर्मी ट्रैफिक लाइन की मेस में कॉल पर लंच बुक करा सकेंगे और कुछ ही देर में ड्यूटी पॉइंट पर ट्रैफिक कर्मियों को ताजा खाना पहुंचा दिया जाएगा। मोबाइल नंबर आप यहां पे देख सकते हैं बुक कराने का, जिसमें आप लंच बुक करा सकते हैं। वहीं पर ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शेयर रॉकेट बन गया है। HSBC ने दिया है 140 रुपए का टारगेट। जी हां, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शेयर प्राइस आप जान लीजिए, क्योंकि ओला के शेयर के लिए पहली सलाह HSBC से आई है, जिसने कवरेज की शुरुआत बाय रेटिंग 140 के टारगेट प्राइस के साथ की है। तो आप चाहे तो इसको खरीद सकते हैं, 62% से अधिक के चढ़ चुका है। आज भी ओला रॉकेट बना हुआ है और शुरुआती कारोबार में करीब 12% उछल गया है। इसके अलावा ओला के शेयर के लिए पहली सलाह HSBC ने दी है, जिसने कवरेज में बाय रेटिंग 140 टारगेट प्राइस के साथ
बताया है। आज सुबह 121 रुपए पर खुला है, चंद मिनटों में 128 रुपए पहुंच गया है। ये कारण है कि ब्रोकरेज ने एक नोट में लिखा है कि ओला ने जून तिमाही में न केवल सभी इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों का 49% बेचा है, बल्कि बैटरी सहित भारत में अधिकांश आवश्यक इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्ट्स बनाने का लक्ष्य भी रखा है। ओला की बैटरी वेंचर भी सफल हो गया है। ओला बाइक की कीमत भी लगातार बढ़ती जा रही है, उनके शेयर बढ़ते जा रहे हैं, तो टारगेट प्राइस 140 रखा गया है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शेयर रॉकेट बना है, चाहे तो आप इसको खरीद सकते हैं, बाद में अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन ध्यान रहे कि आपको ये एडवाइस नहीं दी जा रही है, ये सिर्फ आपको जानकारी दी जा रही है, अपने एक्सपर्ट से जानने के बाद ही इसमें खरीदारी करिएगा। रक्षाबंधन का त्यौहार सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और ये त्यौहार भाई बहन का है, प्यार का है, प्रेम के प्रतीक का है। रक्षाबंधन हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन बहन अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधती है। राखी बांधने का मुहूर्त 19 अगस्त को दोपहर 1:32 के बाद होगा और 9:07 तक रहेगा। इसके साथ ही इस दिन सावन महीने का अंतिम सोमवार और पूर्णिमा का संयोग भी बन रहा है। इस दौरान सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, शोभन योग और श्रावण नक्षत्र का महासंयोग बनेगा। इस दिन दोपहर 1:32 के 9:07 तक बहन अपने भाई को राखी बांध सकती है। ध्यान रहे कि दाहिने कलाई में राखी बांधिएगा और राखी बांधते समय सिर्फ 3 गांठ बांधिएगा। बहुत सारे लोग रात को राखी नहीं बांधते, इस वजह से आपको 2:00 to 4:30 के बीच में बांध लेना है। थाली की सजावट में आपको बता दे तो सबसे पहले एक थाली सजा लीजिएगा। थाली में रोली, चावल, ध्यान रहे कि चावल टूटा हुआ ना हो, राखी पुरानी या टूटी हुई ना हो, मिठाई और दिया रखिएगा। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए अपने इस भाई को, कमेंट करिएगा आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आपके जिले की जानकारी हम लेकर आ पाए। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।